Hi everybody, this is Nikita and in this video I will be talking about 369 manifestation technique by Nikola Tesla. Before getting started, I am also on Instagram, so you can go and follow me there. Main wahan par affirmations, remedies, tips post karti rehti hu. You can also book a tarot reading session with me over there, or you can comment down below to book a session with me. Let's get started. 369 manifestation technique is a very simple technique. इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक पेन और एक जर्नल की. सो फर्स्ट आप डिसाइड करिए कि आपकी विश लिस्ट में प्रायोरिटी क्या है. क्या वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. आफ्टर डिसाइडिंग आप एक अफर्मेशन बनाएंगे दैट शुड बी 17 सेकेंड लॉन्ग. नाउ वाई 17 सेकेंड लॉन्ग, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी. दिस 17 सेकेंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक वॉज गिवन बाय अब्राहम हिक्स, यू कैन सी दैट वीडियो. उनका इस टेक्निक के पीछे आइडिया ये था कि 17 सेकेंड आर इनफ टू इग्नाइट योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस. सो अगर आप किसी थॉट पे 17 सेकेंड तक फोकस करते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए. सो वो जो पर्टिकुलर अफर्मेशन होगा इस 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए, दैट शुड बी 17 सेकेंड लॉन्ग. सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप हेयर अफर्मेशन बना रहे हैं, सो आप बोलेंगे माई हेयर इज स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, डेंस एंड वॉल्यूमिनस. फाइन. सो इसको क्या करना है, 3, 6 और 9, 3 times लिखेंगे आप, 6 times लिखेंगे, 9 times, 3 times इन द मॉर्निंग, 6 times इन द इवनिंग एंड 9 times इन द. Hi guys, so as you can see, आपको एक affirmation से start करना है by writing it 3 times in the morning, and then आप evening में इसे restart करेंगे by writing it 6 times in the evening. So आपको थोड़ी सी यहाँ पे space leave कर देनी है. Then continue on the same page, फिर आपको night में continue करना है by writing it for around 9 times. और ये affirmation change नहीं होगी. You can write it with the help of red pen or pink pen, और आप make sure करें कि 3, 6, 9 time आप same page में लिखें. थोड़ी सी space leave कर दीजिए and continue it for 33 days. तो आप 33 days तक repeat करेंगे. 3, 6 और 9 time आप उस सेम अफर्मेशन को लिखेंगे. नाउ देयर आर मेनी वीडियोस जहाँ पर ऐसे बोला गया है कि आपको वर्ब चेंज करना है, कि ये मेरा इंटेंशन है 3 times, 6 times आपको लिखना है कि ये पूरा हो रहा है, एंड 9 times वो पूरा हो चुका है. सो 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के पीछे का आइडिया समझते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सी वीडियो या कौन सी टेक्निक. 369 के मैंने 2 techniques देखे हैं, सही है या गलत है. सो फर्स्ट 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, 369 नंबर अकॉर्डिंग टू निकोला टेस्ला आर यूनिवर्सल मैजिकल नंबर, तभी ये टेक्निक बनाई गई है जस्ट फॉर द नंबर्स. सो 3 अकॉर्डिंग टू निकोला टेस्ला इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, 6 रिप्रेजेंट्स आर स्ट्रेंथ वी हैव इन आर सेल्व, एंड 9 रिप्रेजेंट्स रिलीज ऑफ नेगेटिव एनर्जी. सो ये 369 मैजिकल नंबर्स हैं, और अगर आप उस अफर्मेशन को 3 बार, 6 times एंड 9 times लिखते हैं, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी. सो आपको वर्ब चेंज करके लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आइडिया इन नंबर्स के अकॉर्डिंग है, तो हम उसको बस सेम अफर्मेशन को रिपीटेडली लिख सकते हैं. अदरवाइज जो टेक्निक होती है वो मैनिफेस्ट नहीं करती, जबकि आपके जो इंटेंशन उस टेक्निक में लगे हैं उसके थ्रू आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, नॉट थ्रू द टेक्निक. तो आप उसको 55 times लिखें, आप 369 times लिखें, या फिर आप उसको 1 बार भी लिखें, पर अगर आपने उसे फीलिंग्स, इंटेंशंस, इमोशंस, एनर्जी और टाइम उस पर्टिकुलर रिचुअल में डाला है, तो वो मैनिफेस्ट होगा. इवन इफ यू राइट 55 times 1 time, और यू चेंज द वर्ब और यू डोंट चेंज द वर्ब. सो दिस वॉज अबाउट 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक. डोंट फॉरगेट टू रिपीट इट 33 times डेली, और आपको इसे 3 times जब लिख रहे हैं तो एक सेटिंग में लिखें, एंड एट द सेम टाइम जस्ट फोकस, विजुअलाइज करें, फील करें, उस इमोशन को डालें, और जो आप विश लिख रहे हैं वो पूरी हो गई है ऐसे विजुअलाइज करें लिखते हुए. सो दिस वॉज 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक बाय निकोला टेस्ला. आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.